गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी होमवर्क सीट 26 है और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश एंड हिंदी हैंड राइटिंग है और क्लास UKG है। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, इंग्लिश हैंड राइटिंग। ये हमारी इंग्लिश की हैंड राइटिंग है। तो जैसे द रैबिट हैज ए कैरेट, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से आपको हैंड राइटिंग लिखना है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी हैंड राइटिंग। ये हमारी हिंदी की हैंड राइटिंग है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपको पढ़ के लिखना है, जैसे झटपट उठकर उपवन तक चल। तो आपको यहाँ पर लाइनों में करना है, अच्छे से आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4 अक्षर के शब्द लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर 4 अक्षर के शब्द लिखना है। जैसे मैंने जितनी आपको लाइनें दी हैं उतनी आप लाइन में लिखेंगे 4 अक्षर शब्द। जैसे उपवानो, झटपटो, खटपटो, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, आ की मात्रा के शब्द लिखिए। मतलब बड़े आ की मात्रा के शब्द लिखना है डंडा लगा के, जैसे राम, शाम, काम, हार, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, छोटी ई की मात्रा का शब्द लिखिए। मतलब ये छोटी ई की मात्रा का शब्द है, तो इसमें आपको मात्रा वाले शब्द लिखना है, जैसे गेन, मेलो, दिन, गिर, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ड्रो द पिक्चर्स और लोटस। मतलब आपको क्या करना है, पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे और लोटस का मतलब कमल का फूल बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से ये करना है। थैंक यू।